छत्तीसगढ़ पहुंचे पीएम मोदी ने भूपेश बघेल सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा, छत्तीसगढ़ के विकास के बीच आ गया है कांग्रेस का पंजा। छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट लूट करके बर्बाद कर देगा। साथियों, गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप। कांग्रेस पार्टी को पीएम मोदी ने बताया करप्ट। कहा, कांग्रेस के कोरे कोरे में करप्शन, कोर कोर में बसा है करप्शन। बिना करप्शन सांस भी नहीं ले पाती कांग्रेस पार्टी। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इनकी नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी ने विपक्षी एकता पर भी निशाना साधा। प्रहार करते हुए कहा, पानी पी पी कर एक दूसरे को कोसने वाले साथ आने के बहाने तलाश रहे हैं, वो भ्रष्टाचार की गारंटी है, तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है, तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। कांग्रेस के गारंटी कार्ड को पीएम मोदी ने झूठा बताया। कहा, सिर्फ बीजेपी है जो गारंटी देती है, तो उसे करती है पूरा। लोगों को कांग्रेस से सतर्क रहने की जरूरत। अपने कुशासन और भ्रष्टाचार के दाग को कांग्रेस अब झूठी गारंटियों से छिपाने की कोशिश कर रही है। आपको ऐसी झूठी गारंटियों से बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ये भाजपा है जो असली गारंटी देती है, जो वायदा करती है उसे पूरा करके भी दिखाती है। पीएम मोदी के रायपुर दौरे के बाद आया सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा, पीएम आए और सिर्फ झूठ बोलकर चले गए। प्रदेश की फूटी कौड़ी भी उनकी तरफ से प्रदेश को नहीं दी गई। मोदी जी आए, 4.5 साल में पहली बार कोई शासकीय कार्यक्रम हुआ। उम्मीद कर रहे थे छत्तीसगढ़ को कुछ दे के जाएगा, लेकिन एक फूटी कौड़ी उन्होंने नहीं दी। और ये 2006-07 में जब यूपीए सरकार के समय जो स्वीकृत कार्य हैं उसका लोकार्पण करके वो गए हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए हैं। पहली बात ये है, जो अमित शाह जी झूठ बोले थे कि धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से होती है, आज मोदी जी फिर वही झूठ बोल के गए हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को करप्ट बताया तो पलटवार के लिए उतरे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, कांग्रेस एक संस्था है, कोई एक व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, पूरी संस्था नहीं। बात जोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। कांग्रेस तो एक संस्था है, संस्था करप्ट कैसे हो सकती है?
करप्ट होगा तो कोई व्यक्ति होगा। और मोदी जी ने जिन बातों को कहा उसके पहले छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस का स्कैम हुआ था, छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ का पीडीएस का स्कैम हुआ था, 3,62,00,000 रुपए नगद कार्यालयों से बरामद हुए थे, उसकी जांच क्यों नहीं कराई? तो ये एक तरफा कार्रवाई करने का प्रयास, दबाव बनाने का प्रयास, अनैतिक प्रयास, ठीक है, हम लोग अपने रास्ते पे जनहित के काम में लगे रहेंगे। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा मानहानि मामले में राहुल लादतन अपराधी, विदेशों में भारत को करते हैं बदनाम। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। अगर आप उनके पूरे देखें राजनीतिक टिप्पणियों को, तो विदेश में जाके वो भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं, डिफेम करते हैं, भारत की संस्थाओं का डिफेमेशन करते हैं। आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? आपके नेता है ना वो। अगर इसी ओबीसी मामले में वो माफी मांग लिए होते मानहानि केस में राहुल गांधी के बचाव में उतरे अभिषेक मनु सिंघवी, कहा किसी मामले में नहीं होता है ऐसा कन्विक्शन, राहुल लड़ेंगे आगे की लड़ाई। आज मैं समझता हूं एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की जहां पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है, और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है। पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को, और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे एक महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। महाराष्ट्र की राजनीतिक अटकलों के बीच सीएम शिंदे ने दी सफाई, कहा हमारे बीच सब कुछ ठीक है, विपक्ष वाले जानबूझकर फैला रहे हैं भ्रम। परसों रात हमारी शाम को बैठक हुई है, और उस बैठक में जो सवाल सभी लोगों के मन में थे, वो सभी सवालों का मतलब निपटारा हुआ है। जो लोगों को चाहिए वो देने का काम किया है। ये मंत्री वंत्री तो ठीक है, मिलते रहता है, जाते रहता है, वो एक परमानेंट नहीं है, तो इसलिए ऐसा कुछ सोचो मत। ये जो है ये विपक्ष वाले बार बार ये अफवाह फैला रहे, बोले मुख्यमंत्री नाराज है, बोले यहाँ तक बोले कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, ये सब उनके मनगढ़ंत कहानी है। संजय राउत ने फिर शिंदे गुट पर फेंका पासा, कहा शिंदे गुट के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, आज ही हुई है 4 लोगों से बात, अपना नया आशियाना संभालें शिंदे। मैंने संपर्क की बात की थी, साथ में आने की बात नहीं, आज भी संपर्क है, उसमें से आज भी 4 लोगों ने मेरे से बात किया। अरे भाई छोड़ दो, आपका घर संभालो, आपने जो नया घर आशियाना बनाया है ना वो आप संभाल लो,